अरे म्यूजिक बंद करा। सभी लोगों ने बहुत
खूबसूरती से इस मूवी में काम किया है, बहुत मेहनत की है, और हम सब लोग इस मूवी की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और दर्शकों से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस मूवी को देखें और सफल बनाएं। धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हेलो, हमारे सारे प्रोड्यूसर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और स्पेशली यशुदास जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह का रोल दिया, वरना ये इस पिक्चर में तो मुझे कॉमेडी देने थे। मैंने इनको बोला कि पैसे कम कर दो और रोल ये दे दो, उन्होंने भरोसा किया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ट्रस्ट किया, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का, क्योंकि काम तो काफ़ी साल से कर रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं, कॉमेडी के लिए कोई सोचता भी नहीं और रोल दे देता है। लेकिन तो ऐसे मेरे तमाम साथी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जितने भी हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चंद्रकांत जी यहाँ चाहें कि ये फिल्म मैंने लीड किया है, बड़ा सीरियस फिल्म का रोल, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझ पर लोग भरोसा कर रहे हैं, और मेरे लिए अच्छी बात है कि एज एन एक्टर मैं अपना रेटिंग बूस्ट कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। वेल, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा हमारे लीड एक्टर इस फिल्म में एक्चुअली मेरा कैरेक्टर बहुत अलग है, कॉमेडी छोड़कर ये बहुत सीरियस रोल है। ये फिल्म थ्रिलर है, इसमें भूत प्रेत नहीं है। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ क्योंकि लोगों को लगता है इसमें भूत भूत होगा, बट इसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अलग है एंड बहुत डार्क है। ऐसा कैरेक्टर है जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है, और फिल्म में डार्क कैरेक्टर इनकी वजह से, क्योंकि पूरी फिल्म इन्होंने मेरी माँ बहनी की है, तो बट बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे से करवाया गया, ही इज द कल्प्रिट। बट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत डेंजरस भी है, बट वेरी गुड कैरेक्टर ऑल्सो। लाइक लोगों को ये कैरेक्टर पसंद भी आएगा बहुत, और हेट भी करेंगे उतना ही। हेलो सर, हम आपको काफी फिल्मों में देख चुके हैं, बहुत ही अलग अलग किरदारों में, हमेशा आप हंसाते आए हैं, लेकिन इस बार आप ऐसे इंसान का है जिसने जिंदगी में पंक्चुअलिटी की वजह से बहुत मार खाई है और बहुत कड़वा लेसन लिया है। उसकी वजह से वो अपना जितना रोष है, उसका गुस्सा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन है, वो अपने छोटे बेटे पे निकालता है। और इसमें एक इनडायरेक्ट मैसेज ये भी है कि आप अपनी चीजों को अपने बच्चों पर मत थोपो, उन्हें मत अपने जैसा बनाने की कोशिश करो, उन्हें वो बनने दो जो वो चाहते हैं। लेकिन जब इंसान उन्हें वो फ्रीडम नहीं देता, तो किस तरह एक नाजुक उम्र में एक बच्चे का जो मेंटल बैलेंस है वो ब्रेक हो जाता है, और उसकी वजह से एक अच्छा लड़का, एक अच्छा इंसान जिसका भविष्य अच्छा है, वो क्या बन जाता है। ये एक पिक्चर में अनसीन मैसेज है। बाकी कैरेक्टर बड़ा अलग है, और कोशिश की है अपनी तरफ से, और उम्मीद करता हूं
कि देखने वालों को वो पसंद आएगा, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मेरे से ज्यादा मैं ये दुआ करता हूं कि हितेन, ऋषिता, इन सबको बहुत बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिले, पिक्चर हिट हो और हमारे यशु जी और पिक्चरें बनाए ऐसी ही बढ़िया अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म्स. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.